अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का सीन ये है कि आज आपका भाई है सिक्योरिटी गार्ड। यस सर, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बिल्कुल सुनसान एरिया है और आपका भाई इधर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। ये भी लाइफ का एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट आप समझ लें कि मोमेंट है कि आपका भाई सिक्योरिटी गार्ड है और वो भी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। तो चलो आपको मैं बताता हूँ कि सिक्योरिटी जो हम कर रहे हैं, हम परमानेंट नहीं कर रहे, हम समझ लें कि किराए के सिक्योरिटी गार्ड आए हैं। और उसका सीन ऐसा हुआ कि जो लोग यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं उनको हो गया है कोरोना, यानी उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया और उनको क्वारंटाइन में रखा गया 14 दिन के लिए। तो उनको कुछ आदमी चाहिए थे सम डेज़ के लिए, उनका जब क्वारंटाइन ख़त्म हो गया तो वो लोग वापस आ जाएंगे। सो इसलिए मेरा दोस्त है, उसने बोला कि यार चलो ना चलते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो भी ऑलरेडी बंद है, हम लोग घर में फ्री थे। तो हमने सोचा चलो एज़ ए एंटरटेनमेंट और साथ में जो काम मिला वो करते हैं। सो लाइफ में आपको कोई भी काम मिले उसको करो, हिचकिचाहट मत करो। अगर आप शर्माओगे तो आप पीछे रह जाओगे। कोई भी काम है उसको करो, उसका आपको एक्सपीरियंस एक अलग होगा। हर काम का अपना एक्सपीरियंस होता है। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं ये रात को एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाता, डरता हूँ। तो अभी देख लो कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं है पीछे, हर चीज़ सुनसान है और अकेला खड़ा हूँ। क्या है, ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, करना चाहिए इसको भी। जैसे जैसे रात गुजरेगी वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड पूरी रात अपनी कैसे गुजारता है और उसकी ड्यूटी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और वो अपना जो पूरी रात है वो ड्यूटी किस तरह करता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिधर मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ वहाँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं पूरी रात, और उसके पास जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो मेन चीज़ होती है आपके पास वो है जी वायरलेस। इससे आप एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको बोलते हैं कि ये मेरे साथ मसला इधर आओ, क्योंकि सबका कनेक्शन सेम होता है, सबको आपकी आवाज़ जाती है। अगर एक भी बोलेगा तो सब सुनेंगे कि क्या मसला है। सो ये सबसे लाजमी चीज़ है वायरलेस, ये आपको लाजमी मिलती है और इसकी आपने केयर करनी होती है। ये है जी मेरी कुर्सी जिधर मैं रात गुजारता हूँ पूरी, और ये है एक साथ में स्टूल, और इसका सीन कुछ ऐसे है इधर मैं बैठता हूँ। ये सामने रूम बना हुआ है जी जिधर सिक्योरिटी का सारा सिस्टम पड़ा हुआ है। देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले एंटर होते ही आपको नज़र आएगा सैनिटाइज़र। जैसे गोलगप्पों के साथ में चटनी लाजमी है ना, इसी तरह आप हमारी ज़िंदगी में सैनिटाइज़र भी लाजमी है, और साथ में ये टेम्परेचर चेक करने के लिए, और साथ में ये एक पंखा, और ये सामने लगी हुई है LED, और इसमें सारे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, और उसके साथ इसका ही कुछ सिस्टम है। और उसके ऊपर क्या है जी, ये हमारे पास बुक, अगर जो भी आता है जाता है तो उसकी जो एंट्री है वो उसके ऊपर लिखते हैं। और ये हमारा जो वायरलेस है उसका चार्जर है, और ये है जी लाइट, जब राउंड वगैरह लगाते हैं रात को तो ये टॉर्च डालते हैं। ये कैमरा है, यहाँ पे स्कैन करते हैं, कोई भी विजिटर बाहर से आता है उसका जो ID कार्ड है उसको स्कैन करते हैं। और ये है जी पेपर, अगर कोई भी बाहर से आएगा विजिटर तो उसको ये एक साथ में पेपर देते हैं। और क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ये जो लोग सिक्योरिटी करते हैं उनकी शर्ट्स हैं पीछे, इनका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है क्योंकि हम तो किराए के सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन ये इधर परमानेंट काम करते हैं। और ये इधर डंडा भी है, अगर कोई सीधा ना माने फिर उसको ये डंडे से मनवाना पड़ता है, तो ये भी इधर लाजमी पड़ा हुआ है, इसकी भी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। ये सोसाइटी पाकिस्तान की तरह बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं, छोटी सी सोसाइटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पाकिस्तान की तरह। तो इसके लिए इन्होंने एक सोसाइटी में 4 लोग होते हैं, 2 इधर और 2 उधर। जिधर मैं हूँ ये उसकी बैक साइड का गेट है, ये मेन गेट है, वो फ्रंट पे है। तो इधर जिधर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ये सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए है, वो लिखा हुआ है ना सामने, स्कूल बस एंड लॉरी ओनली, लॉरी वो जो बड़ी बस होती है उसको बोलते हैं बड़ी गाड़ी को। तो मेरा तो काम सारा रात फ्री रहना होता है, सारी रात मैं तो फ्री रहता हूँ, मेरा यही काम है, क्योंकि रात को कोई भी गाड़ी नहीं आती। मेन गेट पे आती रहती हैं गाड़ियाँ, लेकिन जो ये मेरी वाला गेट है इधर कोई गाड़ी नहीं आती, क्योंकि इधर जो काम वाली गाड़ी होती हैं वो टाइम से आ जाती हैं, और मैं सारी रात बिल्कुल फ्री रहता हूँ, कोई मुझे काम नहीं होता। ये टाउन है जी, यहाँ की सिक्योरिटी पाकिस्तान की तरह सिक्योरिटी नहीं होती कि आपके पास वो पिस्टल होगा, आपके पास वो बड़ी गन होगी, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं होता। सिर्फ आप समझ लें एक फॉर्मेलिटी के लिए आप यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहे हैं, वरना कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये मैंने गेट खोलना होता है, अगर कोई गाड़ी वगैरह आए इसको ताला लगाए और उसका मैं सारा कुछ लिख के IC नंबर ये वो उसने किधर जाना है, बस ये मैं लिखना होता है और मेरा कोई काम नहीं है। पाकिस्तान की तरह ये सिक्योरिटी नहीं है कि आपके पास वो पिस्तौल होगा ये वो।
और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी बड़े कॉपरेटिव होते हैं, कुछ नहीं आपको बोलते, जब यू निकलते हैं आते हैं जाते हैं वो आपको ऐसे करते हैं, तो हम भी आगे से ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है, ना वो हमें कुछ कहते हैं। अभी नया दिन चढ़ गया, 12 बज गए हैं और आज की डेट हमने लिख दी है इधर, और अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला राउंड। चल भाई उठ जा, बहुत तुमने रेस्ट कर लिया, अब कुछ हलाल कर ले अपनी रोज़ी। सो अभी 12 का टाइम हो गया और 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है हमारा पहला राउंड। उसके लिए मैंने अपनी ये लाइट और वायरलेस ले ली है और अभी चलते हैं और राउंड एक मुकम्मल करके फिर वापस आते हैं। ये बस ऐसी एक फॉर्मेलिटी के लिए राउंड करना होता है, वैसे भी बैठ बैठ के थक जाते हैं यार, थोड़ा चलना चाहिए। ये मेरी लाइट है, ये लाइट बहुत तेज़ है, ये आसमान की तरफ भी जाती है और आसमान के ऊपर ही चली जाती है, बहुत तेज़ लाइट है। टन टन। अच्छा यार, मैंने अक्सर देखा है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें अगर इस तरह के जो भी टाउन्स होते हैं तो नॉर्मली उनका जो आर्किटेक्ट होता है, उनका डिज़ाइन होता है, वो सेम होता है, सबका सेम होता है। यहाँ भी टोटल जितने भी घर हैं एक लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब लोगों का जो डिज़ाइन है एक तरह के, ये सारे जो हैं एक तरह के बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता है इस तरह का, पाकिस्तान में सब अपनी अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लोग ये टाउन वगैरह बनाते हैं वो ऑलरेडी पहले ही बना के देते हैं घर, और वो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और सब सेम बनाते हैं। ये सामने वाला टाउन है और इसकी सिक्योरिटी अलग है, ये हमारे वाला है, ये लोगों के घर हैं, सब सेम है। ये जो सामने वाला हमारा टाउन है ये उनका मेन गेट है और ये उनका सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, और इस तरह हमारे टाउन का भी है लेकिन वो दूसरी साइड पे है। आप इसको टाउन तो नहीं कह सकते, आप इसको छोटी सी सोसाइटी कह सकते हैं, ये बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, तो उन्होंने कवर किए होते हैं। ये देखें अपनी यार्ड लगी हुई है सारी साइड पर, इन्होंने ये कवर किए होते हैं, ये ज़्यादा बड़े टाउन नहीं होते जिस तरह हमें पाकिस्तान में होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने वाले हैं और उनके ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठे हुए हैं, ये मेन गेट है उनका। जागते रहो जागते रहो। पाकिस्तान में भी अक्सर होता है ऐसा कि कुछ लोग जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, जागते रहो जागते रहो। मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। अभी मुझे यह सर्दी महसूस होने लग गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ जो मैं ऊपर ये अपना लेके आऊँ इसको मैं पहन लेता हूँ, ये ना हो कि शोखी के चक्कर में मेरी कुल्फ़ी बन जाए। नॉर्मली शाम को रात को मौसम इधर चेंज हो जाता है और हल्की हल्की आपको सर्दी महसूस होती है, इसलिए मैं इसको साथ लेके आया था एडवांस में। सो भी मैंने इसको पहन लिया, सो भी मैं कम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो अगर तो जो बंदा सख्त काम नहीं करना चाहता तो आराम से काम करना चाहता, उसके लिए सिक्योरिटी ठीक है। नॉर्मली इसमें ज़्यादा सैलरी तो नहीं होती, लेकिन ये है कि आप सारा दिन फ्री के फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं होता, सिर्फ आपने बैठना ही होता है, अपना मोबाइल चलाएं जो मर्ज़ी करें, बस आप एक तरह का आपने टाइम पास करना होता है और आपको सैलरी मिल जाती है। अगर थोड़ा सा आप हार्ड काम करेंगे तो उसमें आपकी सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, और जितना आप काम आसान करेंगे उसमें आपकी सैलरी भी उतनी ही कम होती है। ये चाची बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखती है यार, ये सुबह 5 बजे उठ के वॉक शुरू कर देती है और मेरा ख्याल है 2-3 घंटे ये वॉक करती है, और इसकी एज देखें यार। इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट वुड यू लाइक। जी गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 7 का टाइम हो गया और मैं वेट कर रहा हूँ कि तुहीद का, तुहीद आएगा 8 बजे मेरी जगह पर, अब ड्यूटी करेगा तुहीद और मैं जाऊँगा घर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हल्का सा बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सोसाइटी का मेन गेट है जी, जो भी एंटर होता है इस साइड से एंटर होता है, और उसका जो एंट्री होती है वो यहाँ पे दो लड़के बैठे हैं वो उनका सारा डाटा वगैरह लिखते हैं। 8 बज गए हैं और तुहीद भी पहुँच गया है। सो तुहीद साहब, ये अब टोन तुम्हारे वाले, तुम पासबां हो इसके। ये मेरे वाले नहीं, ये मलाई आएगा, मैं आपका हाल चाल पूछ रहे हैं।